देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। बीजेपी ने फिर कहा संविधान बदल देंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार का वीडियो हुआ वायरल। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तियां। मोदी के 400 पार का समझा दिया मतलब। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। सुना आपने, पीएम मोदी जो 400 पार का नारा लगाते फिर रहे हैं उसका मतलब ये है, उसका मतलब है कि देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान में बदलाव किया जा सके। बदलाव भी ऐसा कि जो मन में हो वो बदल दिया जाए या फिर संविधान ही बदल दिया जाए। बाबा साहेब के बनाए संविधान पर बीजेपी वाले कैसे तिरछी नजर लगाए बैठे हैं, बीजेपी की सांसद उम्मीदवार के बयान से साफ हो जाएगा। एक बार फिर से बीजेपी नेता ने संविधान को बदलने की बात दोहराई है। पहले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े और अब राजस्थान के नागौर से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने सरेआम कह दिया कि मन माफिक सीट आई तो फिर संविधान में मनचाहा बदलाव भी कर लिया जाएगा। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तियां। अभी तो ये मैडम सांसद बनी भी नहीं है लेकिन पहले ही इनके इरादे साफ हो गए हैं। अब सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद विपक्ष इन पर हमलावर है। गुजरात के वडगाम से कांग्रेस के विधायक और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जिग्नेश मेवाणी ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये है राजस्थान के नागौर से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा कहती हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। यही बात बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े भी कह चुके हैं कि हमें लोकसभा चुनाव में 400 सीट मिली तो संविधान बदल देंगे। इन बयानों से साफ है कि बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। बाबा साहेब के दिए संविधान को खत्म कर बीजेपी जनता से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी संविधान बदलने वाली है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ज्योति मिर्धा से पहले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने भी खुलेआम कहा था कि संविधान को बदलने के लिए उन्हें 400 सीटें जरूरी चाहिए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्धपुर में 8 मार्च को एक कार्यक्रम में बोलते हुए हेगड़े ने कहा था, संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कुछ अनावश्यक बदलाव करके इसे मौलिक रूप से बदल दिया है, खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े कानून। अगर ये सब बदलना है तो ये 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता। अनंत हेगड़े ने खुले मन से समझाया कि कैसे 400 पार सीट मिलने के बाद वो देश के संविधान की प्रस्तावना को ही बदल डालेंगे। हेगड़े ने कहा, मोदी ने कहा अब की बार 400 पार, 400 से ऊपर क्यों? हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, हमारे पास छोटा बहुमत है, राज्य सरकारों में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतने से राज्यसभा में बहुमत हासिल करने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। यानी बीजेपी नेताओं ने फिर एक बार साबित कर दिया कि 2024 का चुनाव जीत जाने के बाद वो संविधान तक को बदल डालेंगे। यही आशंका विरोधी दल भी जता रहे हैं। विपक्ष जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत गया तो हो सकता है कि फिर देश में चुनाव ही ना हो। इसे डर की राजनीति कहा जा सकता है लेकिन ये डर बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद बार बार सामने आ ही जाता है। एक तरफ मोदी संसद के सामने सिर झुकाते हैं और दूसरी तरफ देश के संविधान को बदलने की बात करके उनकी पार्टी के सांसद फिर से जनता के दिल में डर पैदा कर देते हैं। बीजेपी वाले खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले बाबा साहेब के बनाए संविधान को हटाना होगा। इसलिए मामला बेहद गंभीर हो जाता है। बीजेपी अपनी मंशा को लेकर बार बार बताती रहती है, इसलिए अब देश की जनता के ऊपर है कि वो संविधान को बचाने के लिए अपने वोट का सही से इस्तेमाल करे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।